नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग साधकों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा योग दर्शन के कोर्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछला महीना था हमारा 22 दिसंबर, तब से हमने एक योग दर्शन का कोर्स लॉन्च किया था एक महीने का, जिसमें हमने 195 सूत्र माने 195 सूत्रों को 1-to-1 उनको समझाया, बताया, एक एक शब्दार्थ को हमने समझाया, उसका अर्थ क्या है, उसको कैसे दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, आप परीक्षा के पर्सपेक्टिव से उसको कैसे उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जिसमें चाहे सब्जेक्टिव कुछ लिखना, एग्ज़ाम लिखना हो आपको डिप्लोमा का, मास्टर डिग्री का, सर्टिफिकेट का, या फिर आपको YCB लेवल 1, 2, 3, 4 की तैयारी करनी हो, या फिर आपको नेट या JRF के एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, तो योग दर्शन से आपको कैसे कैसे चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं, कैसे कैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, कैसे उसको दैनिक जीवन में उपयोग ला करके उस योग की फिलॉसफी को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे अनुशासन आपके जीवन में आए, कैसे अभ्यास आप लेकर के आए, कैसे वैराग्य आपके अंदर आए, और वैराग्य भी किस प्रकार आए, सब कुछ छोड़ करके वैराग्य नहीं आए, सब काम करते हुए वैराग्य का भाव कैसे आए, चित्त को कैसे प्रसन्न रखा जाए, ईश्वर का क्या स्वरूप है, समाधि किस प्रकार है, अपने आप को, अपने चित्त को और या मन को, दोनों को एकाग्र करने के, प्रसन्न करने के क्या क्या उपाय इस योग दर्शन में बताए गए हैं, किस प्रकार के व्यवधान आते हैं या आपकी बाधाएं किस प्रकार की, योग अंतराएं हैं, उसके बाद सहभू हैं, वो किस प्रकार आते हैं, उनका कैसे आप इलाज कर सकते हैं, कैसे उनको दूर कर सकते हैं अपने आप से, उसके अलावा किस प्रकार की समापत्ति है, रितंबरा प्रजा क्या है, क्या है अध्यात्म प्रसाद और क्या है उससे मिलने वाले रितंबरा प्रजा, और क्या है सभी चीज़ों का निरोध हो जाना, जब सब वृत्तियों का निरोध हो जाता तो क्या है समाधि। तो इन सारे कंसेप्टों को लेकर के हमने समाधि पाद को कंप्लीट किया। फिर उसको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से क्रिया योग इम्पोर्टेंट है, क्रिया योग किस प्रकार आपके क्लेशों को निर्बल करता और समाधि की प्राप्ति करवाता है, फिर क्लेश क्या है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश क्लेश हैं, ये किस प्रकार से हमारे जीवन में बाधक बने रहते हैं, एक आम व्यक्ति के जीवन में भी, और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इनको दूर किए बिना आपको समाधि की प्राप्ति नहीं होती, इन चीज़ों का हमने भली भांति देखा। उसके बाद हमने देखा कि दुख क्या है, उसमें कहा हेतु, हान, हानोपाय, माने दुख है, आने वाला दुख है जिसको टाला जा सकता है, उस दुख का कोई कारण भी होता है, वो क्या कारण है। उसके बाद हमने बताया कि किस प्रकार से आपके जो समाधान इसका हो सकता है और समाधान का उपाय क्या है, तो हान माने मुक्ति और हानोपाय माने मुक्ति का उपाय क्या है, इन सब विषयों को जाना। फिर जाना हमने जो सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध जो योग मार्ग है, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसके बाद हमने संयम को जाना कि किस प्रकार से संयम होता है, माने धारणा, ध्यान, समाधि का एक रूप में प्रयोग करके किस प्रकार से हम संयम कर सकते हैं, और उस संयम को अलग अलग भूमियों में प्रयोग करके, माने कभी सूर्य में संयम किया तो पूरे लोक लोकांतरों का ज्ञान हो गया, चंद्रमा में संयम किया तो तारों की स्थिति का ज्ञान हो गया, ध्रुव तारे में संयम किया तो हमें किस प्रकार से तारों की गति का ज्ञान होता है, किस प्रकार से कूर्म नाड़ी में संयम करने से फर्क फायदा मिलता है, किस प्रकार से मूर्ध ज्योति में ध्यान करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं, किस प्रकार से उदान प्राण के पर विजय प्राप्त करने पर हमें जल, कीचड़ और कांटों के प्रभाव से मुक्त रहते हैं, किस प्रकार से समान प्राण पर संयम करने से, उसको जीतने से हमें किस प्रकार का तेजस्विता प्राप्त होती है, क्यों होती है, क्यों तेजस्विता प्राप्त होगी समान प्राण के, क्यों क्यों इस प्रकार की शरीर और आकाश के संबंध में यदि संयम करेंगे तो हमें आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होगी, श्रोत्र और आकाश के संबंध में संयम करेंगे तो किस प्रकार से हमें दिव्य शब्दों को सुनने की क्षमता प्राप्त होगी, सोप कर्म क्या है, निरूप कर्म क्या है, इनमें संयम करने से कैसे हमें मृत्यु का आभास हो जाता है, किस प्रकार से दूसरे की जान में संयम करने से हमें उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है, किस प्रकार से हमारे कर्म बंधन समाप्त हो जाने से हम किस प्रकार से दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता पैदा हो जाती है, उसके चित्त, उसकी इंद्रियों को हम अपने चित्त का अनुसरण कैसे करवा सकते हैं और ये कैसे पॉसिबल है, इन तमाम बातों को लेकर के भी हमने खूब चर्चाएं की, खूब लोगों के डाउट आए, खूब लोगों ने पूछा और उनके कंसेप्ट को हमने क्लियर करने का प्रयास किया। और इसके बाद जो हमारा कैवल्यपाद है, कैवल्यपाद में भी हमने समाधि को जाना, किस प्रकार से जन्म से उत्पन्न समाधियाँ होती हैं, किस प्रकार से मंत्र के उससे होती हैं, किस प्रकार से औषधियों से होती हैं, किस प्रकार से तप से होती हैं, किस प्रकार से समाधि से सिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं, कितने प्रकार के कर्म कहे गए हैं, योगियों के
कर्म कौन से होते हैं, कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, कृष्ण शुक्ल और अकृष्ण अशुक्ल कर्म होते क्या हैं, इन सब चीज़ों की हमने बात की, धर्म में एक समाधि की हमने बात की, अंत में फिर कैवल्य को प्राप्त कर लिया तो कैसा होगा, कैवल्य प्राप्त किया व्यक्ति कैसा होता है, समाधि और कैवल्य में क्या फ़र्क है, इन तमाम बातों पे हमने खूब सारी चर्चाएं की। और हमारा कोर्स अब अगली 19 से 20 तारीख को हमारा कोर्स समाप्त हो रहा है और इतना अच्छा लग रहा है, जितने 222 लोगों ने ये कोर्स किया है योग दर्शन का, तो इसके लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों का। और अच्छा लगा, मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला और स्टूडेंट को तो निश्चित रूप से मिला ही होगा। और यदि आप ऐसा देखते हैं तो इसके एक वीडियो के बाद एक वीडियो और भी आएगी जिसमें हम सभी स्टूडेंट का फीडबैक लेंगे। अब मैंने तो तारीफ़ कर दी कि मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ा करके, अब बच्चों को कैसा लगा वो तो बच्चे बताएंगे, तो उनका फीडबैक के लिए उनकी वीडियो मंगवाई जाएंगी, क्योंकि वर्चुअल है, ऑनलाइन है, तो कोई सामने बैठ के तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन हाँ 1-to-1 उनके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, उच्चारण उनको सीखने को मिल रहा है, उनको कैसे उसको यूटिलाइज हम लाइफ में करें वो मिल रहा है। तो बहुत सारे डाउट थे लोगों के, बहुत सारे डाउट क्लियर हुए हैं और मज़ा आ गया योग दर्शन के कोर्स में। तो ऐसे ही अब योग दर्शन का दूसरा बैच मैं लेकर के आ रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले तो मैं अपना आपको पिछले एक महीने में हमने जो किया वो मैंने आपको रखा, अपना कार्य कैसे कैसे किया। तो अभी दोबारा से योग दर्शन का बैच हम शुरू कर रहे हैं, बहुत लोगों की डिमांड थी, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि हमें ज्वाइन करना है। तो क्योंकि बीच में ज्वाइन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहले 30 दिन का था, अब की बार 35 दिन का कोर्स हम कर रहे हैं। पहले में हमें कुछ फीडबैक मिला कि कुछ रेस्ट होना चाहिए, तो हमें रेस्ट दिया हमने, तो ये कोर्स मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को पढ़ाया जाएगा योग दर्शन, माने हर एक दिन के बाद छुट्टी होगी, संडे ऑफ रखा जाएगा। तो क्योंकि पिछली बार हमने संडे ऑफ नहीं रखा और 7 दिन हमने पढ़ाया है सप्ताह में, तो अब की बार मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को योग दर्शन की कक्षाएँ होंगी, एक एक घंटे की होंगी, जूम पे होंगी, फीस वही रखी है, मात्र 900 रुपये, 900 ओनली फीस है इसकी। उसको कैसे पे कर सकते हैं वो मेरा जो गूगल अकाउंट है 9541224042 उस पर जा करके गूगल पे कर सकते हैं, जो इंटरेस्टेड हो मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे इसी नंबर पे 9541224042। फ्लायर है उसके ऊपर भी सारे डिटेल हम देंगे और इस वीडियो के थंबनेल पे भी मैं फ्लायर को ऐड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका हमारा लिंक डाल दूंगा मैं, तो वहाँ से भी आप योग दर्शन के कोर्स को कर सकते हैं। 25 जनवरी से हमारा दूसरा बैच प्रारंभ हो रहा है। योग दर्शन के जो इच्छुक हैं, जो ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, योग क्या है, समाधि क्या है, चित्त क्या है, मन क्या है, वृत्तियाँ क्या है, किस प्रकार से उनकी भूमिका है, ईश्वर क्या है, ईश्वर का कंसेप्ट क्या है योग दर्शन में, और किस प्रकार से समाधियाँ हैं, किस प्रकार से समापत्ति है, किस प्रकार से क्रिया योग है, किस प्रकार से अष्टांग योग, क्लेश क्या है, उनका क्या प्रभाव है, वो सारी चीज़ें जानने का आपको मौका मिलेगा। किस प्रकार से सिद्धियाँ हैं, किस प्रकार से विभूतियाँ हैं, किस प्रकार से कर्म है, किस प्रकार से धर्म मेघ है, किस प्रकार से कैवल्य है, इन सबको जो जानना चाहता है पूरी डिटेल में, जो योग का जिज्ञासु भाव रखता है योग में, वो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। उनके लिए मैं आपको हृदय से आमंत्रित करता हूँ। और जो इसको जानना चाहते हैं तो 35 क्लास हमारी रहेंगी, तो 35 डेज में हम इसको करेंगे और सभी को ई सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया जाएगा योग परिवार सोसाइटी के द्वारा, ताकि आपने जो ये योग दर्शन का कोर्स किया है उसका आपको एक सर्टिफिकेट भी मिले हमारी संस्था की तरफ से। तो जो भी इच्छुक है जरूर आइएगा और मात्र 900 रुपये, यदि हम इसका एवरेज लगाए पर डे का तो कुछ भी नहीं है, 20-25 रुपये तक इसका एक दिन का कॉस्ट आ रहा है, तो कोई भी सीख सकता है इतने सस्ते में। योग दर्शन आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, डाउट क्लियर सेशन भी हमारे उसमें रखे जाएंगे, तो अब भी रखे जा रहे हैं, आगे भी रखे जाएंगे, और ये कोर्स लगभग हमारा अप्रैल तक पूरा होगा। तो जो इत्मीनान से योग दर्शन के कोर्स को करना चाहते हैं तो अप्रैल तक का समय जिनके पास है वो जरूर आएँ और इसको ज्वाइन करें। आपको बहुत लाभ होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, ये मैं वादा आपसे कर सकता हूँ। और जो फीडबैक आपके आएंगे फिर आप ही बताएंगे कि कैसा आपको लगा। तो ये केवल योग दर्शन के दूसरा बैच जो हम प्रारंभ कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन का वीडियो। पहले योग दर्शन के कोर्स में ढेर सारा प्यार दिया, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी, लेकिन आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया, इसमें पार्टिसिपेट किया, तो 222 लोगों ने योग दर्शन का कोर्स किया। इसके लिए मैं सभी उन प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ, कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त करता हूँ, क्योंकि
उनको लाभ हुआ लेकिन मुझे भी लाभ हुआ। मेरे बहुत सारे डाउट थे वो क्लियर हुए, मेरी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हुई इस कोर्स के माध्यम से। तो सीखने वाले को तो हुआ है बट सिखाने वाले को भी बहुत लाभ हुआ। तो विद्या तो एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ाता है उसको भी लाभ होता है, जो पढ़ता है उसको भी लाभ होता है। तो जो योग दर्शन पढ़ना चाहते हैं, जो भी योग में जिज्ञासु भाव रखते हैं, कोर्स नहीं कर रहे, कोई सर्टिफिकेट नहीं कर रहे, डिप्लोमा नहीं कर रहे, डिग्री नहीं कर रहे, वैसे भी एग्जाम नहीं दे रहे, नेट का एग्जाम नहीं दे रहे, लेकिन योग कर रहे हैं, योग को जानना चाहते हैं, योग क्या है, व्हाट इज योग। तो ऐसे ढेर सारे लोग हैं हमारे इस बैच में भी, 222 वाले में, जिसमें लोगों को नहीं कोई एग्जाम देना है ना ही कोई कुछ करना है, लेकिन फिर भी उन्होंने ज्वाइन किया है। सब एज उम्र के हैं, सब जेंडर हैं, मतलब बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग हैं, और नव अभ्यासी हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर हैं, कई देशों से लोग हैं। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझमें जो भक्त पहले एक महीने पहले जो लोगों ने विश्वास दिखाया, वैसा ही विश्वास आप भी दिखाएंगे और इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। और जूम पे हम इसको करेंगे, एक घंटा डेली क्लास रहेगी, 20 मिनट के करीब हम डाउट क्लियर सेशन भी रखेंगे इसमें हर दिन। तो आपको अच्छा आएगा, आनंद आने वाला है, और उस मज़े को लेना है तो आप इसको ज्वाइन करिए। और सब ज्वाइन कर सकते हैं, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। बस केवल गूगल पे जाके 900 रुपये यदि आप पे करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और मुझे आप उसका डिटेल भेज देंगे व्हाट्सएप पे ही, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करके आपको उसमें ऐड कर लूँगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। बाकी फ्लायर में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, और उस पे स्कैनिंग कोड है, उसमें कोई बहुत सारी लंबी चौड़ी पूछने की, कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना है। हाँ, फॉर्म हम भरवाते हैं, लेकिन फॉर्म हम बीच में भरवाएंगे जिसमें आपकी पूरी डिटेल हमारे पास होगी, ताकि आपको ई सर्टिफिकेट इशू किया जाए, तो आपके नाम की स्पेलिंग, आपका जहाँ से आप हैं वहाँ, वो पूरा डिटेल हमारे पास होगा। तो उसको हम आगे आपके ई सर्टिफिकेट के लिए एक नया फॉर्म हम भरवाते हैं और बाद में भरवाएंगे बीच में। दूसरा, इसके बाद एक टेस्ट भी होता है, जो अभी जो 222 लोग हैं वो अभी 19 तारीख को उस टेस्ट को देने वाले हैं, 20 को उसको टेस्ट को देने वाले हैं। तो योग दर्शन को कैसे सीखा, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में एक ऑब्जेक्टिव टाइप का MCQ जो टाइप का क्वेश्चन टेस्ट है वो भी हम इसमें करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा नई चीज़ें, और किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो योग को जीवन में कैसे अपनाया जाए, वास्तविक योग का स्वरूप क्या है, इन सब चीज़ों को जानना है तो कोर्स को ज्वाइन करिए, आपको ज्वाइन करना चाहिए। और आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, और पिछले योग दर्शन के कोर्स में प्यार देने के लिए, खूब सारा विश्वास जताने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ सभी के प्रति, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप आइए और इस कोर्स को ज्वाइन करिए, ये आपके लिए है, आपके अपनों के लिए है। आप ज्वाइन करिए, अपने लोगों को ज्वाइन करवाइए। जो वीडियो जिसको अच्छा लगा हो कि ये योग दर्शन का जो वीडियो है ये इंफॉर्मेटिव है, तो अपने दोस्तों को सेंड कीजिए, अपने परिवार वालों को सेंड कीजिए। ये तो है नहीं कि घर वाले नहीं कर सकते, गजब की बात है, पति पत्नी भी अलग अलग से इस कोर्स को कर रहे हैं, माँ बेटी भी इस कोर्स को अलग अलग से कर रहे हैं, भाई बहन भी इस कोर्स को अलग अलग से कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं अपनी अपनी ID से आकर के। तो बहुत सारा उत्साह है लोगों में, और बहुत सारा नई चीज़ें मुझे देखने को मिली, मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। तो कोई भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, ज़रूरी नहीं आप योग के स्टूडेंट हैं या आप योग के टीचर हैं, आप एक योग साधक हैं तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। योग नहीं जानते तो योग जान लीजिए क्या है, वो लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक घंटा आपको अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा, तो भरोसा रखिए। इसी बात को लेकर के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और जल्द ही हम हठ प्रदीपिका के इस सेशन को भी शुरू करेंगे, उसका वीडियो भी जल्द आएगा, जिसमें हम हठ प्रदीपिका को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। और 30 डेज का हमारा कोर्स है, वो भी अप्रैल तक पूरा होगा, वो भी अल्टरनेटिव डेज में होगा, उसका इन्फॉर्मेशन का वीडियो हम जल्द ही आपको आपके सामने प्रेषित करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योग दर्शन के कोर्स के इच्छुक सभी लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9541224042। उसकी कोई और डिटेल चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। आज इसके फ्लायर को भी हम पब्लिश कर देंगे, तो सबके पास फ्लायर होगा, वीडियो होगा, फेसबुक होगा, व्हाट्सअप होगा, सबके माध्यम से हम अपनी बात को आज रखेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोरोना की लहर अभी तेज है, मतलब बहुत लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को सुरक्षित करिए, दूसरों को सुरक्षित करिए, आपकी वजह से किसी को असुविधा ना हो, आपको कोई असुविधा ना हो। इसलिए अपनी उचित दूरी बनाए रखें, ध्यान रखें, अपने आप का ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, ये आप सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है।
और इस डिफ़िकल्ट टाइम में हम योग दर्शन सीख सकते हैं, और इस डिफ़िकल्ट टाइम में योग क्या कहता है, हम कैसे अपने आप को बैलेंस रखें, हम अपने आप को कैसे संतुलित करें, हम अपने आप को कैसे खुश रखें, ये सारी चीज़ें भी जानने को आपको मिलेंगी। तो हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ सभी का, और नव अभ्यासियों का, नव जो जिज्ञासु भाव रखने वाले हैं योग दर्शन में, उनको सादर आमंत्रित करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सबको मेरा निमंत्रण है, आपको व्यक्तिगत निमंत्रण दे रहा हूँ, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, ये मेरा व्यक्तिगत आपको निमंत्रण है, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।